गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैंने क्लास में आप लोगों को थ्योरी ऑफ मशीन में जो कुछ चैप्टर्स है वो पढ़ा दिए थे और बाकी का चैप्टर अभी रह गया है जिसमें कि हम कोरोना वायरस की वजह से आप लोगों का क्लास नहीं ले पा रहे हैं, तो हम ये वीडियो ऑनलाइन बना के आपको यूट्यूब पे डाल दे रहे हैं, आप सब लोग वहां से देख लीजिएगा। ठीक है, तो हम अभी जो भी है पावर ट्रांसमिशन का कुछ चैप्टर पढ़ा दिए थे, उसके बाद हम अभी जो नेक्स्ट चैप्टर है फ्लाईव्हील एंड गवर्नर वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसमें सबसे पहले आपको फ्लाईव्हील के बारे में बता देंगे और फ्लाईव्हील और गवर्नर का ये क्यों बना। ठीक है, देखिए स्टार्ट, जैसे फ्लक्चुएशन कोई भी चीज को हम ड्राइव करते हैं, कोई भी है, जैसे हमारा बाइक है, कार है या कोई भी मैकेनिकल एलिमेंट्स है, तो उसको ट्रांसमिशन के ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन उसमें फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी होता है, उसका जो फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी होता है उसमें फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड होता है। तो फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड, तो ये फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड जो होता है ये दो टाइप से होता है, एक होता है विद इन द सिस्टम और एक होता है आउटसाइड द सिस्टम। मतलब जो फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड होता है इसका दो रीजन होता है, एक रीजन होता है विथ इन द सिस्टम, एक सिस्टम के अंदर होता है रीजन उसका, एक होता है आउटसाइड द सिस्टम। जैसे कि देखिए आप जैसे आईसी इंजन में फोर स्ट्रोक इंजन पढ़े होंगे, तो उसमें जो उसका जो ग्राफ होता है, सबसे पहले जो होता है सक्शन वाला होता है, उसमें हमारा एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है, फिर होता है कंप्रेशन में भी एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है, उसके बाद होता है पावर मिलता है हमको, फिर उसके बाद एग्जॉस्ट। ठीक है, अगर ये समझ लीजिए थीटा टॉर्क और थीटा डायग्राम है, तो उसमें देखिए तो इसमें क्या हुआ, जैसे आईसी इंजन वाले पार्ट में क्या होता है कि जो रीजन होता है, जो सक्शन हुआ, कंप्रेशन हुआ, पावर मिला, ये जो कभी हमको एनर्जी ज्यादा मिल रहा है, कभी हमको देखिए यहाँ पे हमको एनर्जी का जरूरत है, यहाँ पे हमको मिल रहा है, ज्यादा मिल रहा है, तो जो लेकिन जो यूनिफॉर्म रूप से नहीं है, लेकिन ये ऐसा हुआ क्यों, बिकॉज ये रीजन क्या है, ये जो साइकिल का जो अलग अलग प्रोसेस है ना, ये साइकिल के अंदर है, ये वाला पार्ट जो है अंदर है। लेकिन सपोज कीजिए कि हम गाड़ी चला रहे हैं, बाइक भी चला रहे हैं, हम एक्सीलरेटर दे रहे हैं, उसमें फ्यूल सप्लाई हो रहा है, कभी फ्यूल सप्लाई कम हो रहा है, तो क्या है वो तो हम क्या एक्सटर्नली उसमें कर रहे हैं, लेकिन जो एक्सटर्नली कर रहे हैं ये वाला पार्ट जो है इसमें उसमें हम एक्सटर्नली कर रहे हैं, लेकिन जो इंजन के अंदर है, जो प्रोसेसेस है उसके अंदर, वो तो विथ इन द सिस्टम है। ठीक है, तो जब फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड हम कंट्रोल करना है, या जो रीजन है फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड का, जो विथ इन द सिस्टम होता है उसको हम कंट्रोल फ्लाईव्हील के थ्रू कर सकते हैं, फ्लाईव्हील, और इसको आउटसाइड के लिए हमको एक गवर्नर करके डिवाइस लगाना पड़ता है। अभी हम देख रहे हैं फ्लाईव्हील के बारे में, अभी हम फ्लाईव्हील के बारे में देखेंगे, फिर ये जब चैप्टर खत्म हो जाएगा तो उसके बाद देखेंगे गवर्नर के बारे में। तो ये फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड हुआ जो विथ इन द सिस्टम, आउटसाइड सिस्टम, फ्लाईव्हील के बारे में देखेंगे। तो पहले इसके बाद हम जान लें कि फ्लाईव्हील क्या होता है। जैसे देखिए इसमें बताया था ये जो सक्शन वाला पार्ट था, ये कंप्रेशन था, ये पावर स्ट्रोक था, ये एग्जॉस्ट था, तो सब अलग अलग पार्ट में अलग अलग एनर्जी रिक्वायरमेंट होता है। और इसमें क्या होता है ना, जैसे देखिए यहाँ पे हमें एनर्जी का रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, यहाँ क्या हमारे पास एनर्जी है, तो अगर हम सिस्टम को स्मूथली ड्राइव करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सिंपली है, हमें जहां ज्यादा पावर है वहां से हम पावर, जब हम ज्यादा पावर मिल रहा है हम पावर को स्टोर कर ले, जब हमें जरूरत है तो जहां हम स्टोर किए हुए हैं वहां से पावर ले ले, सिंपली यही कर सकते हैं ना। तो फ्लाईव्हील यही करता है, फ्लाईव्हील यही करता है कि जहां हमें जरूरत होता है एनर्जी का वो सप्लाई करता है, और जहां जब एनर्जी ज्यादा रहता है, जब ज्यादा सप्लाई एनर्जी अगर किसी सिस्टम में हम पावर ज्यादा जनरेट कर रहे हैं तो, लेकिन हमें रिक्वायरमेंट कम है, अगर हम कहीं जनरेट ज्यादा कर रहे हैं, सिंपली बात है, अगर हम जनरेट ज्यादा कर रहे हैं लेकिन हमारा जो रिक्वायरमेंट है वो कम है, रिक्वायरमेंट कम है, तो हम क्या करेंगे, जो जनरेट ज्यादा किए हैं उसको हम सेव कर लेंगे, और जब हमको जब जरूरत होगा, जैसे इस साइकिल में आपको देखने से मिल रहा है, तो फिर हम उसको क्या करेंगे, वहां से एनर्जी को यूटिलाइज कर लेंगे। ठीक है, तो हम अगर फ्लाईव्हील का डेफिनेशन दे क्या करता है, तो फ्लाईव्हील इज ए डिवाइस व्हिच यूज टू मेंटेन या मिनिमाइज द फ्लक्चुएशन या वेरिएशन ऑफ स्पीड। देखिए
ए फ्लाईव्हील इज यूज टू कंट्रोल फ्लक्चुएशन एंड वेरिएशन ऑफ स्पीड ड्यूरिंग ईच साइकिल। ये क्या करता है, ईच साइकिल में करता है, देखिए ड्यूरिंग ईच साइकिल ऑफ एन इंजन, ठीक है। और ये फ्लाईव्हील होता कैसा है, देखिए सिंपली अगर इसका हम फ्लाईव्हील का एग्जाम्पल बताएं तो इसका बहुत सारा एग्जाम्पल है। जैसे आपने गांव में, सिंपल गांव में या कहीं भी देखते हैं, आटा चक्की का मशीन होता है, ठीक है, जो गेहूं पीसता है मशीन, तो उसमें व्हील देखते होंगे, बहुत सारे व्हील लगे रहते हैं, ठीक है। वो व्हील को आप सिंपली आप फ्लाईव्हील बोल सकते हैं। ये फ्लाईव्हील सिंपली एक ये है, एक रोटेटिंग मास होता है, एक रोटेटिंग मास होता है, जो इट इज ए रोटेटिंग मास विच इज अटैच टू क्रैंक शाफ्ट। यहाँ पे तो लिखा है इट इज अटैच टू क्रैंक शाफ्ट एंड यूज्ड एज एनर्जी रिजर्वायर। क्यों लिखा है यहाँ पे, एनर्जी रिजर्वायर के लिए काम आता है एनर्जी रिजर्वायर। ये इसलिए लिखा गया है कि जहां पे हमको जरूरत होता है, जब सप्लाई जो होता है, जनरेट जब होता है, जनरेट जो एनर्जी का जनरेशन होता है वो ज्यादा होता है जो हमारे रिक्वायरमेंट से, तो वो एनर्जी जो जनरेट हुआ ज्यादा उसको सेव कर लेता है, जब जरूरत होता है तो उसको सप्लाई करता है, इसलिए एनर्जी रिजर्वायर, ठीक है। तो ये जो फ्लाईव्हील का एग्जाम्पल, जो रोटेटिंग मास को भी रोटेटिंग मास देख रहे हैं आप, जैसे देखिए अब सिंपली अगर ऐसा एक सिंपल, इट इज बेस्ड ऑन इनर्सिया इफेक्ट, ये इनर्सिया इफेक्ट पे बेस्ड है। जैसे कि आप देखिए, जैसे आप सिंपली आदमी, एक सिंपल एग्जांपल देते हैं, जैसे कोई आदमी है बहुत मोटा आदमी है, वो दौड़ते जा रहा है, ठीक है, तो अगर उसको रोकने के लिए, उसको रोकने के लिए ज्यादा एनर्जी का जरूरत होता है। अगर कोई पतला आदमी है उसको, वो दौड़ते जा रहा है, उसको रोकने के लिए कम एनर्जी का जरूरत होता है। ये सिंपली है, ये भी है कि जैसे आप गाड़ी बहुत स्पीड से चल रहा है, उसको एक ब्रेक मारिए फिर भी वो कुछ आगे तक जाएगा, बिकॉज इनर्शिया इफेक्ट की वजह से, ठीक है। तो ऐसा ही होता है, अगर कोई मास रोटेट कर रहा है, अगर कोई मास रोटेट कर रहा है उस समय हम उसको एनर्जी एकाएक हम रोकना चाहें तो क्या होगा, उसमें हम उसको एकाएक रोक नहीं सकते हैं, उसको रोकने के लिए थोड़ा सा विद इन टाइम चाहिए, ठीक है। क्यों, बिकॉज उसके पास इनर्शिया इफेक्ट होता है। और अगर दूसरा बात, अगर वो, अगर सपोज कीजिए एनर्जी का, अगर कोई चल रहा है, व्हील चल रहा है, अगर सपोज कीजिए कि हम एग्जाम्पल लेते हैं कोई मशीन जो है वो भी, जैसे एग्जाम्पल भी आपको बताए थे जो गेहूं पीसने वाला जो मशीन होता है, तो उसमें जब व्हील, उसके अंदर जो व्हील लगा रहता है उसको हम बंद कर, जब फुहार सप्लाई उसको हम बंद भी कर देते हैं उसके बाद भी, बिकॉज उसके जो स्पीड वो गेन किया होता है जिसकी वजह से वो थोड़ा देर रोटेट करते रहता है, ठीक है। तो ये सब बातें हैं, तो ड्यूरिंग द पीरियड, तो ये एनर्जी रिजर्वायर में काम करता है, ठीक। ड्यूरिंग द पीरियड वे सप्लाई ऑफ एनर्जी इज मोर देन द रिक्वायर्ड, यही बात लिखा जो बताया, सप्लाई एनर्जी मोर देन रिक्वायर्ड, जब हमें जरूरत है उससे ज्यादा होता है, इट स्टोर्स एनर्जी, वो एनर्जी को स्टोर कर लेता है। एंड व्हेन द रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी इज मोर देन द सप्लाई, इट रिलीजेज एनर्जी, ठीक है। जो फ्लाईव्हील का ये बेसिक तीन काम होता है, ठीक है। तो मैंने अभी आपको फ्लाईव्हील के बारे में बताया कि फ्लाईव्हील क्या होता है, ठीक है। तो फ्लाईव्हील का यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं, ठीक है, इसके बाद जैसे इसका एप्लीकेशन बहुत जगह है, दुनिया में आप जो भी मशीन देखते हैं हर जगह फ्लाईव्हील अटैच रहता है, ठीक है ना। इसके बाद फ्लाईव्हील के डेफिनेशन के बाद हम अभी आपको जो इसमें फ्लाईव्हील से रिलेटेड बहुत सारे टर्म्स है, फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी, फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड, ये क्या होता है, अभी तो जस्ट बताया फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड है, ये फ्लक्चुएशन क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी, ये सब के बारे में हम अभी आपको एक एक करके बताते हैं, ठीक है ना। तो और एक और रहता है कि मीन टॉर्क, मीन टॉर्क क्या होता है उसके बारे में बताएंगे, ठीक है। और जो ये है एक इम्पोर्टेंट टर्म आता है, जैसे कि हमने यहाँ पे आपको ड्रॉ किया है वाई एक्सिस पे जो टॉर्क ड्रॉ किया है और एक्स एक्सिस पे थीटा ड्रॉ किया है, ठीक है ना। जो एंगल ऑफ रोटेशन कितना रोटेशन करता है, जैसे आपको सबको पता होगा कि जब फोर स्ट्रोक इंजन होता है, फोर स्ट्रोक इंजन में जो टू रिवॉल्यूशन में साइकिल कंप्लीट होता है, ठीक है। चलिए हम ये सब अभी आपको बताते हैं, ठीक है, इसके बाद इसको भी रेज करते हैं, फिर आपको बताते हैं इस बारे में, ठीक। फ्लाईव्हील के डेफिनेशन के बाद हम इससे रिलेटेड जो डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स है, जैसे कि टर्निंग मोमेंट डायग्राम, टी मीन यानी मीन टॉर्क, फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड, इसके बारे में भी हम बता रहे हैं आपको, ठीक है। तो टर्निंग मोमेंट डायग्राम क्या होता है, ठीक है, जो टॉर्क होता है, टॉर्क को जब हम वाई एक्सिस पे प्लॉट करते हैं और जो क्रैंक रोटेशन एंगल होता है उस पे एक्स एक्सिस पे रोटेट करते हैं, तो उसके बीच जो ग्राफ बनता है उस ग्राफ को हम टर्निंग मोमेंट डायग्राम बोलते हैं। ए ग्राफ बिटवीन टॉर्क एंड क्रैंक रोटेशन एंगल इज नोन एज टर्निंग मोमेंट डायग्राम, ठीक है। तो फिर ये टर्निंग मोमेंट डायग्राम है वो डिफरेंट डिफरेंट इंजन के लिए अलग होता है, जैसे कि सिंगल, हम यहाँ पे टर्निंग मोमेंट डायग्राम सिंगल सिलेंडर डबल एक्टिंग इंजन के लिए बनाए हैं, फिर ऐसा है सिंगल सिलेंडर
फिर ये जो है फोर स्ट्रोक आईसी इंजन के लिए होता है, फिर ये सिंगल सिलेंडर है, फिर ऐसा ही मल्टी सिलेंडर के लिए। तो मल्टी सिलेंडर का रिक्वायरमेंट क्यों पड़ा वो हम अभी थोड़ा देर बाद आपको बताएंगे, ठीक है। ये टर्निंग मोमेंट डायग्राम फॉर सिंगल सिलेंडर डबल एक्टिंग इंजन है, ठीक है। तो ये डबल एक्टिंग इंजन का टर्निंग मोमेंट डायग्राम ऐसा ही क्यों आया, देखिए ये जो टॉर्क है ये टॉर्क डिपेंड करता है टेंजेंशियल फोर्स और जो क्रैंक होता है, जो क्रैंक आपने आईसी इंजन वाला पार्ट जो देखा होगा कि यहाँ पे जो यहाँ पे स्लाइडर लगा रहता है तो ये जो क्रैंक है, ये जो क्रैंक रोटेट करता है, ये क्रैंक रोटेशन ये है ओमेगा स्पीड से, बोलते हैं जिस भी डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है इसका जो रोटेशन का स्पीड होता है, ये जितना रोटेट करता है, ये जितना रोटेट कर रहा है, जितना थीटा रोटेट करेगा वो, और इस पे जो फोर्स लग रहा है, इस पे अलग अलग टाइप का फोर्स लगता है, इस पे ये डायरेक्शन में फोर्स लगता है, ठीक है। इसको रोटेशन करने के लिए एक फोर्स रिस्पॉन्सिबल इस डायरेक्शन में होता है, तो ये फोर्स होता है और ये जो एंगल, ठीक है, इस पे ये डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये टर्निंग मोमेंट डायग्राम जैसे देखिए यहाँ पे जब थीटा का वैल्यू, ये सिंगल सिलेंडर डबल एक्टिंग इंजन में जब थीटा का वैल्यू 90 डिग्री है तो यहाँ पे हमको मैक्सिमम टॉर्क मिलता है। देखिए ये थीटा का वैल्यू 90 डिग्री है तो हमको इस इंजन में मैक्सिमम टॉर्क मिलता है, जब थीटा का वैल्यू 180 डिग्री होता है या 0 डिग्री होता है तब यहाँ पे हमको मिनिमम टॉर्क मिलता है, ठीक है। जब हमें टॉर्क है नहीं, टॉर्क मिल रहा है पावर जब अगर हमारे पास नहीं है तो उसको हमको ड्राइव करने के लिए क्या चाहिए, तो इसलिए तो कुछ ना कुछ चाहिए ड्राइव करने के लिए, तो एक इसीलिए एक डिफाइन होता है, एक मीन टॉर्क डिफाइन होता है, एक मीन टॉर्क का पता होना चाहिए कि ये क्या होता है, टी मीन, ठीक है। ठीक है, अभी हम ये बताते हैं टी मीन क्या होता है। सबसे पहले एक और टर्म बताते हैं, जैसे जो हम जो टॉर्क और जो क्रैंक एंगल रोटेशन हम ड्रॉ किए हैं, जगह जो ग्राफ ड्रॉ किए हैं, ये इसके अंदर का जो एरिया होता है, ये जो एरिया है इसके अंदर का जो एरिया है, ये एरिया का समेशन हमें एक वर्क ऑफ साइकिल लेता है। इस साइकिल में हमें कितना वर्क मिलेगा, इस साइकिल में हमें कितना वर्क मिलेगा वो एरिया अंदर टॉर्क मीन डायग्राम देता है, ठीक है ना। वर्क साइकिल क्या होता है, एरिया अंडर टी थीटा कर्व, जो टॉर्क और थीटा कर्व है उसके अंदर का एरिया हमें क्या देता है, वर्क ऑफ साइकिल, उस साइकिल में कितना वर्क मिल रहा है, ठीक है। तो हम सिंपली इसका जो एरिया निकालेंगे, सिंपली अगर आपने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़े होंगे कि एरिया अंडर पीवी डायग्राम गिव्स, एरिया अंडर पीवी डायग्राम जो प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम होता है उसके अंदर एरिया हमें वर्क देता है, ऐसा ही टीएस, एरिया अंडर टीएस डायग्राम टेम्परेचर और एंट्रोपी डायग्राम का हमें हेल्प देता है, वैसा ही सिंपली ऐसा ही है, एरिया अंडर टॉर्क और क्रैंक एंगल रोटेशन हमें वर्क ऑफ द साइकिल लेता है, ठीक है। अगर वर्क ऑफ द साइकिल लेता है, ठीक, अगर हम या तो हम सिंपली इस ये एरिया निकाल ले, पूरा ये एरिया कितना है, ठीक है। नहीं तो अगर हमें एक टर्म होता है मीन टॉर्क, ये जो मीन टॉर्क है, ये मीन टॉर्क ऐसे डिफाइन होता है कि मीन टॉर्क को हम ऐसे डिफाइन करते हैं, जैसे ये वर्क ऑफ साइकिल अगर हमारे पता है, टी मीन इक्वल टू वर्क ऑफ साइकिल, साइकिल बाई वाइड, ये जितना पूरा इसका जो साइकिल है, ये जो साइकिल है कोई भी डायग्राम है उसका जो जितना रिवॉल्यूशन में, जितना रिवॉल्यूशन मतलब उसके जो क्रैंक है उसका साइकिल जितना क्रैंक रिवॉल्यूशन में पूरा होता है, जैसे देखिए ये सिंगल स्लाइडर डबल एक्टिंग इंजन है, इसका जो साइकिल होता है वन रिवॉल्यूशन में कंप्लीट हो जाता है, इसका जो साइकिल होता है सिंगल सिलेंडर डबल एक्टिंग इंजन का जो साइकिल वन रिवॉल्यूशन में पूरा हो जाता है, वन रिवॉल्यूशन मतलब 360 डिग्री में पूरा हो जाता है, 360 डिग्री मतलब 2 पाई, इसीलिए ये जो ग्राफ है 2 पाई तक बनाया गया है, इसके बाद जो जितना जैसे ये कर्व है उसके बाद फिर ये ऐसा ही रिपीट करता है, फिर उसके बाद ये कर्व ऐसा ही रिपीट करेगा 2 पाई के बाद, सेम यही सिमेट्रिक रिपीट करता जाता है। लेकिन ऐसा ही है कि अगर जैसे कि आपको पता है कि सिंगल सिलेंडर फोर स्ट्रोक इंजन में, सिंगल सिलेंडर फोर स्ट्रोक इंजन में साइकिल का जो पूरे साइकिल जो कंप्लीट होता है 2 रिवॉल्यूशन में कंप्लीट होता है, अगर साइकिल 2 रिवॉल्यूशन कंप्लीट होता है यानी ये थीटा का जो वैल्यू है रोटेशन कितना होगा 360 × 2 क्या हो जाएगा 720 डिग्री, ठीक है ना, यानी 4 पाई उसका जो रिवॉल्यूशन था 4 पाई होता है। चलिए हम वो जब बताएंगे आपको उस समय बता देंगे। टी मीन हमेशा जो साइकिल का जो यहाँ पे क्या हो जाएगा इस केस में 2 पाई हो जाएगा, इस केस में कितना हो जाएगा 2 पाई,
जब टी अगर हमें मीन टॉर्क निकालना है तो पूरे वर्क साइकिल बाई टू बाई टू बाई क्यू, बिकॉज उस साइकिल का जो पूरे पीरियड है, उस साइकिल का जो पीरियड है कितना एंगल रोटेशन में कंप्लीट होता है, यानी इसका टू बाई रोटेशन में कंप्लीट होता है, इसलिए टू बाई। ठीक है, तो मीन टॉर्क टर्निंग मोमेंट डायग्राम में कैसे निकाला जाता है वो मैंने आपको बताया। ठीक है, अगर सपोज कीजिए आपको न्यूमेरिकल अगर आपके पास आया, सिंपली अगर आपको ऐसा बोल दिया फाइंड द मीन टॉर्क इन सिंगल सिलेंडर डबल कैटिंग इंजन इन विच वर्क ऑफ साइकिल, वर्क प्रोड्यूस बाय द साइकिल इज 800 किलो जूल, तो बस आपको क्या करना है 800 किलो जूल, 800 किलो जूल बाय 2 पाई कर देना है, वो आपको मीन टॉर्क मिल जाएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ मीन टॉर्क का लाइन ड्रॉ करें तो कहां पे आएगा, अगर हम मीन टॉर्क का लाइन ड्रॉ करें, देखिए ये जो है यहाँ पे तो हमको मैक्सिमम टॉर्क मिल रहा है, ये तो मैक्सिमम टॉर्क है, ये मैक्सिमम टॉर्क है, इसकी करो ये भी यहाँ पे मैक्सिमम टॉर्क है, मिनिमम टॉर्क यहाँ मिल रहा है हमको, मिनिमम टॉर्क यहाँ मिल रहा है, तो इसके अंदर हम एरिया निकाल लेंगे, इसका एरिया निकाल लेंगे तो कुछ ना कुछ जो वैल्यू आएगा वो वैल्यू डेफिनेटली आपको ये जो टी मीन है, मीन टॉर्क और मैक्सिमम टॉर्क के बीच में आएगा। ठीक है ना, तो वो जहां पे आएगा सपोज सपोज की जो भी लाइन आया, जैसे सपोज कीजिए मीन इसका मिनिमम टॉर्क है -5 और इसका जो है मैक्सिमम टॉर्क है सपोज कीजिए कि 100 किलो जूल। ठीक है, इसका इतना किलो जूल था, तो आपको इसके बीच में कोई ना कोई आएगा, सपोज कीजिए आपको आया 50, तो जब 50 यहां पे सपोज आया तो ये जो लाइन है, ये लाइन है ड्रॉ कर देना, तो यही हो गया आपको टी मीन, ये जो लाइन है ये टी मीन लाइन है। ठीक है, टी मीन लाइन है, तो उसके बाद जो टॉर्क, ये जो टी मीन हमें मिला, मीन टॉर्क हमको मिला, ये वाला लाइन हमको मिला, मीन टॉर्क का लाइन हमको मिला, तो ये जो एरिया, ये जो ये वाला था, जो ये लाइन, ये वाला हमारे पास ग्राफ था, ये था हमारे पास, तो ये जो है इसके अंदर जैसे सपोज कीजिए इसके जो रहता है ये हो जाएगा नेगेटिव, ये पॉजिटिव, फिर ये वाला नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो ये एरिया हमारा होगा ये वाला पॉजिटिव, वो हमें वर्क प्रोड्यूस करके हमको देगा, वो हमारा वर्क प्रोड्यूस होगा करेगा, यहाँ पे वर्क कंज्यूम होगा, यहाँ पे कंज्यूम होगा, यहाँ पे प्रोड्यूस होगा, इस तरीके से हम इसमें डिसाइड करते हैं। ठीक है, चलिए ये हमें न्यूमेरिकल जब हमको बनाना होगा, न्यूमेरिकल दिया रहेगा, जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब फिर हमको इसका यूज समझ में आएगा। ठीक है, अभी आपको बस इतना ही जानना है कि एरिया अंदर टॉर्क मोमेंट डायग्राम जो होता है वर्क ऑफ द साइकिल लेता है, एरिया अंदर टॉर्क और जो एंगल ऑफ रोटेशन क्या लेता है, वर्क ऑफ द साइकिल लेता है। ठीक, और जो मीन टॉर्क क्या होता है, वर्क ऑफ साइकिल बाई टू पाई। ठीक है, यानी अगर हम इसको एक और मैथमेटिकल टर्म में लिखे, जो अगर नोट में लिख लीजिएगा आप लोग, नोट करके लिख लीजिएगा, एरिया अंदर थीटा कर्व गिव्स वर्क ऑफ साइकिल। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा वर्क ऑफ साइकिल, क्या हो जाएगा टॉर्क इनटू थीटा। ठीक है ना, टॉर्क इनटू थीटा हो जाएगा, अगर आपको वही मीन टॉर्क निकालना है तो यहाँ पे वर्क साइकिल बाय टू पाई। ठीक, चलिए फिर इसके बाद अभी हम टर्निंग मोमेंट डायग्राम ऑफ सिंगल सिलेंडर फोर स्ट्रोक इंजन बनाते हैं। ठीक है, इसको अरेंज कर लेते हैं। ठीक, हमने आपको अभी टर्निंग मोमेंट डायग्राम ऑफ सिंगल सिलेंडर डबल एक्टिंग इंजन बताया, अब देखिए टर्निंग मोमेंट डायग्राम ऑफ सिंगल सिलेंडर फोर स्ट्रोक इंजन, टर्निंग मोमेंट डायग्राम ऑफ फोर स्ट्रोक इंजन ऐसे है, बताते हैं कैसे आया। जिस तरीके से सिंगल का जो डबल एक्टिंग इंजन का था, जैसे डबल एक्टिंग इंजन का क्या था, ये टर्निंग मोमेंट इधर था और थीटा इधर था, तो यहां से यूं ऐसे था फिर ऐसे, और ये जो साइकिल था डबल एक्टिंग इंजन, ये टर्निंग मोमेंट डायग्राम किसका है, डबल एक्टिंग इंजन का है, डबल एक्टिंग स्टीम इंजन या इस सब के लिए ऐसे डबल एक्टिंग इंजन स्टीम इंजन के लिए टर्निंग मोमेंट डायग्राम ऐसा होता है। ठीक है, ये क्या होता है, अपने आप को ये हमेशा वन रिवॉल्यूशन यानी टू पाई, ये जो होता है टू पाई पे ये साइकिल रिपीट करता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप देखिए कि जो इंक्रीमेंट था यहाँ से जीरो से लेके यहाँ तक ज्यादा है, कितना बहुत ज्यादा है, फिर यहाँ पे वेरिएशन कितना ज्यादा है नहीं, यहाँ पे देखिए, और ये है टर्निंग मोमेंट डायग्राम फॉर सिंगल सिलेंडर फोर स्ट्रोक इंजन। इसमें फोर स्ट्रोक इंजन में आपको पता है कि फोर स्ट्रोक इंजन में चार प्रोसेस होता है, पहला सक्शन, फिर कंप्रेशन,
अगर इसको अगर आपको पीवी डायग्राम पे बनाना है, अगर हम पीवी डायग्राम पे बनाए फोर स्ट्रोक इंजन का, तो सबसे पहले क्या होता है, सेक्शन होता है जीरो से लेके वन तक, फिर कंप्रेशन होता है, सबसे पहले सेक्शन होता है, फिर कंप्रेशन होता है जीरो से टू, फिर कंप्रेशन के बाद हीट एडिशन होता है, हीट एडिशन प्रोसेस होता है थ्री, फिर उसके हीट एडिशन प्रोसेस होता है, हीट एडिशन के बाद फिर एक्सपांसन होता है, फिर उसके बाद एक्सपांसन के बाद एग्जॉस्ट होता है, ठीक है ना। तो इसमें कि देखिए, तो कंप्रेशन जैसे पहले सक्शन है, तो ये वाला पार्ट सक्शन है। देखिए सक्शन में क्या होता है, हम सक कर रहे हैं किसी में, किसी को सक करने के लिए हमको क्या होता है, एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है ना। तो एनर्जी क्या, निगेटिव एनर्जी, रिक्वायरमेंट मतलब क्या, निगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे निगेटिव पक्ष है, ठीक है। तो ये उसके बाद जो दूसरा स्ट्रोक होता है, इसके बाद जो दूसरा स्ट्रोक होता है होता है कंप्रेशन, हम इसमें साइकिल को कंप्रेस करते हैं, ठीक है ना। ये पीवी डायग्राम है, यहाँ पे ये पीवी डायग्राम है, ठीक है। कंप्रेस करते हैं, आइसेंट्रोपिकली कंप्रेस करते हैं, खैर तो दूसरे वाले पार्ट है, लेकिन यहाँ पे ऐसे बता देते हैं कंप्रेस किया है यहाँ पे जीरो से टू पाई तक। फिर क्या होता है कि मतलब एक रिवोल्यूशन इसी में पूरा हो जाता है, जो साइकिल क्रैंक होता है, जो क्रैंक का रोटेशन होता है यहाँ पे, जो ये रोटेशन जो होता है, ये जो क्रैंक है, ठीक है, ये कनेक्टिंग रड है, ये इसमें स्लाइडर है, स्लाइडर यानी पिस्टन। तो ये अगर सपोज कीजिए कि ये यहाँ से रोटेशन होता है इसका, तो एक रोटेशन है यहाँ से यहाँ तक आने में, सक्शन और कंप्रेशन वाला पार्ट यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है। अगर सपोज कीजिए साइकिल यहाँ से स्टार्ट किया तो यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। ऐसे इसको दिखाने के लिए तो हम आपको ये ढंग से दिखा सकते हैं, ये जो बेसिक साइकिल ये इस टाइप से होता है, सपोज कीजिए कि पिस्टन यहाँ पे है और ये इसका ये टीडीसी है, ये बीडीसी है, ठीक है। ये टॉप डेड सेंटर है, ये बॉटम डेड सेंटर है। जब जब सक्शन स्टार्ट होता है उस समय में जो होता है ये यहाँ पे रहता है, पिस्टन यहाँ पे रहता है, ये पिस्टन, ठीक है। पिस्टन से कनेक्टिंग रड कनेक्टेड रहता है, ठीक है। ये कनेक्टिंग रड है, ये कनेक्टिंग रड, और ये कनेक्टिंग रड है, और ये यहाँ से ये क्रैंक क्रैंक। तो इस पोजीशन में ऐसा होता है, जब यहाँ पे है साइकिल, जब यहाँ पे है इस समय साइकिल ऐसा होता है, ये क्रैंक रोटेट करता है कनेक्टिंग रड पूरे, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ का जो है क्या है, ये कनेक्टिंग रड है। क्रैंक वाला पार्ट कौन है, ये वाला पार्ट क्रैंक है, ठीक है। ये वाला पार्ट ये क्रैंक सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक है, ठीक, और यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, कनेक्टिंग रड है, ठीक है ना। तो देखिए इसमें क्या होता है कि इसे कनेक्ट सबसे पहले कि टॉप डेड सेंटर पे होता है, जो सक्शन होता है यानी कि ये नीचे आता है, इसमें जो वाल्व लगा होता है, ये वाल्व ये नीचे आता है, तो ये वाल्व यहाँ पे निगेटिव प्रेशर क्रिएट होता है जिसकी वजह से ये वाल्व खुलता है, फिर यहाँ से फ्लूड आना स्टार्ट होता है सक्शन। तो सक्शन में क्या होता है कि हमें एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है कि इसे सक करना होता है, तो एनर्जी जिसलिए दैट्स व्हाई ये यहाँ पे निगेटिव जो जीरो लाइन है, ये जीरो लाइन है, इसके नीचे दिखाया गया, ठीक है। उसके बाद सक्शन करने के बाद ये पूरा ये यहाँ से ये जो है पूरा ये एक इसको जो होता है पूरे ये उसके दौरान उसको यहाँ से जो क्रैंक है ये रोटेट करते करते यहाँ से रोटेट करते करते यहाँ पे आ जाता है, उस समय यहाँ पे आ जाता है, और ये पिस्टन कहाँ जाएगा, ये पिस्टन यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, और ये करेक्ट उस समय पोजिशन यहाँ होगा, फिर क्या होगा पाइप, देखिए पाइप पर यहाँ आया, फिर उसके बाद दूसरा रोटेशन में ये जब यहाँ पे आएगा तो उस समय कंप्रेस होता है, फिर जो पिस्टन यहाँ से यहाँ आया था फिर वहीं पे पिस्टन कंप्रेस करके यहाँ पे पहुंचा जाएगा, ठीक, फिर कंप्रेस हो गया। उसके बाद तीसरा जो इस बार जो नेक्स्ट स्टेज होता है, जैसे एक्सपांशन यहाँ पे जो कंप्रेस किया, कंप्रेस करने के बाद यहाँ पे कुछ स्पार्क होता है, यहाँ क्या स्पार्क होता है, स्पार्क करने के बाद यहाँ पे क्या होता है कि हीट एडिशन, स्पार्क होता है यानी कि जो हमारे जो फ्यूल और फ्यूल होता है और यह रहता है मिक्सचर, उसके जलने के बाद एक ह्यूज अमाउंट यहाँ हीट एडिशन होता है, यानी टेम्परेचर बढ़ा, हीट एडिशन हुआ, टेम्परेचर बढ़ा, तो प्रेशर भी बढ़ा, ठीक। उसके बाद क्या हुआ कि पिस्ट यहाँ उस समय जो कंप्रेस करने के बाद कहाँ जाता है, यहाँ जाता है, यहाँ पे फ्यूल एडिशन हुआ, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो फ्यूल कंप्रेस फ्यूल रहता है वो हाई एनर्जी रहता है, वो यहाँ पे एनर्जी एकदम ब्रास्ट होता है, यहाँ पे एनर्जी लगता है, ये हाई प्रेशर क्रिएट करता है, जिसकी वजह से फिर पिस्टन ये नीचे आता है, पिस्टन इधर नीचे आता है, ठीक। तो देखिए यहाँ पे पिस्टन नीचे आया, यानी ये कम जगह था उसमें हाई प्रेशर था, पिस्टन नीचे आया तो उसके क्या होगा, प्रेशर डिक्रीज होगा, देखिए यहाँ पे जैसे आपको दिख रहा है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जा रहा है, ठीक। तो जा रहा है, इस समय क्या होता है हमको पावर मिलता है, इस साइकिल में हमको क्या मिलता है, इस टाइम में हमको पावर मिलता है, इसलिए पावर मिलता है, तो इसलिए ये पॉजिटिव जीरो लाइन से ऊपर दिखाया गया है।
फिर देखिए जब पावर मिलता है उस समय यहाँ आ जाता है, तीसरा कंप्लीट रोटेशन उस समय, फिर इसके बाद दूसरे जो एक रोटेशन तो कंप्लीट कर लिया होता है, पहले स्टेप में क्या आता है यहाँ से लेके यहाँ तक आता है सक्शन के स्ट्रोक में, फिर दूसरा जब केस कंप्लीट होता है उसके यहाँ से लेके फिर यहाँ आता है, फिर तीसरा स्टेप पावर दौरान पावर जब मिलता है तो यहाँ से लेके फिर ये फिर यहाँ तक आता है, फिर एग्जॉस्ट में आता है, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक आता है, यानी टू रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है साइकिल, ठीक है ना। तो इसलिए 4π2 रिवॉल्यूशन होता है 4π, ये जो साइकिल होता है ये 2 रिवॉल्यूशन में कंप्लीट होता है, ठीक है। तो सेम ऐसे भी हर जगह जो एरिया जो हमको वर्क कितना मिलेगा, एरिया अंदर जो टर्निंग मोमेंट है जो टॉर्क है और जो क्रैंक एंगल रोटेशन है उसके अंदर का जो एरिया होता है वो हमें वर्क ऑफ द साइकिल देता है, ठीक है ना। तो वर्क ऑफ द साइकिल हमें कौन देता है, वर्क ऑफ द साइकिल क्या होता है, एरिया अंदर टॉर्क पर थीटा का जो एरिया होता है वो हमको, इसके अंदर का जो एरिया होता है वो हमको वर्क ऑफ द साइकिल देता है। ऐसा ही अगर हमको मीन टॉर्क निकालना है, टॉर्क मीन निकालना है तो वर्क साइकिल बाय जो जितना रिवॉल्यूशन में कंप्लीट होता है, ये साइकिल जब वो जो था जो डबल एक्टिंग इंजन था वो 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट होता था, 1 रिवॉल्यूशन मतलब 2π 360 डिग्री, लेकिन ये जो है कि 2 रिवॉल्यूशन कंप्लीट होता है, 2 रिवॉल्यूशन मतलब 4π, ठीक है। टी मीन इसमें ऐसे आएगा, ठीक है, जिस तरीके से हम उस समय लिखेंगे ठीक ऐसे में भी ऐसे लिखेंगे। ये तो है, ये तो निगेटिव है यहाँ पे ऐसे है, लेकिन ये यहाँ तो मैक्सिमम है, ये वाला पार्ट मैक्सिमम टॉर्क यहाँ पे हमको ये मिल रहा है, ठीक है। जो टॉर्क मैक्सिमम और मिनिमम इस सब का मीन में बीच में कुछ होगा, सपोज लीजिए ये लाइन यहाँ पे आया मीन टॉर्क हमको यहाँ पे आया, ये टी मीन, ये टी मीन हमारा यहाँ आया, ठीक है। तो अगर हमको इसमें पॉजिटिव नेगेटिव देखें, ये जो टी मीन लाइन होता है, टी मीन लाइन है ना ये वाली, ये जो लाइन टी मीन हमें जो आया यहाँ से जो टी मीन आएगा उसका टी मीन लाइन होते है, टी मीन से नीचे वाला जो लाइन होता है वो निगेटिव होता है, टी मीन से नीचे जो एरिया होता है वो निगेटिव होता है, निगेटिव मतलब वर्क कंज्यूमिंग, इसे ऊपर होता है वो पॉजिटिव, फिर से निगेटिव होता है जो निगेटिव, ठीक है ना। देखिए इसमें कितना निगेटिव है, ये वाला लाइन निगेटिव है, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ठीक है ना। अगर आपको दिखाने को मिले कि ड्रॉ द टर्निंग मोमेंट डायग्राम ऑफ सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक इंजन, तो इस पर ऐसे ड्रॉ करना है टर्निंग मोमेंट डायग्राम ऑफ डबल एक्टिंग इंजन, जो कि हम पहले बता चुके थे। अब एक होता है टर्निंग, अब देखिए एक चीज, अब देखिए टर्निंग मोमेंट हम सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक का देख लिए, 2 स्ट्रोक का देख लिए, अब इसमें देखिए कि एक चीज आप देख रहे होंगे कि वेरिएशन ऑफ एनर्जी है, जैसे यहाँ पे निगेटिव था यहाँ पे का यहाँ पे इतना ज्यादा आ गया, देखिए कितना बहुत डिफरेंस बहुत ज्यादा है, डबल एक्टिंग में भी डिफरेंस बहुत ज्यादा था जो कि हमने आपको यहाँ पे भी बना के दिखाया था, ठीक है। तो इसमें ये प्रॉब्लम क्या होता है कि जैसे हम तो फ्लाई व्हील इसी को कंट्रोल करने के लिए हमको क्या लगाते हैं, वेरिएशन को, वेरिएशन ऑफ इनपुट क्या करते हैं, अगर सिग्नल है जब एनर्जी ज्यादा मिलेगा, एनर्जी जिस समय ज्यादा मिलता है तो फ्यूल सप्लाई ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब तभी तो उसका स्पीड बढ़ेगा ना, उसमें फिर स्पीड ज्यादा रहता है, ठीक है। तो उसी स्पीड को कंट्रोल करने के लिए हम फ्लाई व्हील लगाते हैं, ठीक है ना। अगर उस फ्लाई व्हील का अगर हमें अगर फ्लाई व्हील लगाते हैं, लेकिन अगर हम एक काम करें, जैसे ये सिंगल सिलेंडर है, इस सिंगल सिलेंडर को हम मल्टी सिलेंडर में बदले, बहुत सारे सिलेंडर के रूप में कन्वर्ट कर दे, ठीक है, तब हम हमारा जो होता है रिक्वायरमेंट ऑफ पावर जो होता है हमको पावर भी ज्यादा मिलेगा, जो मल्टी सिलेंडर इंजन का जो यूज क्या होता है, ठीक है, मल्टी सिलेंडर से हमें जो पावर क्या होता है, पावर भी ज्यादा मिलता है, और दूसरा क्या होता है हमारे पास कि जो वेरिएशन इतना ज्यादा है, डिफरेंस इतना ज्यादा है, वो डिफरेंस भी हमारा क्या होता है कम जाता है, ठीक है ना। तो इसके बाद है कि जैसे रिक्वायरमेंट ऑफ एक जो टॉपिक है रिक्वायरमेंट ऑफ फ्लाईव्हील इन मल्टी सिलेंडर इंजन, ठीक है ना। सिंगल सिलेंडर में देखिए कि इसमें क्या हो रहा है कि फ्लाईव्हील का काम कर रहा है पर उतना, लेकिन अगर हम मल्टी सिलेंडर में उसको कन्वर्ट कर दे तो हमारा रिक्वायरमेंट पावर क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हम लिखते हैं मल्टी सिलेंडर इंजन में पावर मल्टी रिक्वायरमेंट ऑफ फ्लाईव्हील इन मल्टी सिलेंडर इंजन क्या होता है, इसमें बहुत सारा पॉइंट्स है, ठीक है ना। सबसे पहले होता है कि पावर का जो हमारा होता है पावर पर हम जो माइंड में पावर बढ़ जाता है इंक्रीजिंग पावर जो हम पावर मिलता है इंक्रीजिंग पावर आउटपुट, ठीक है ना।
और दूसरा डिक्रीज या लेस रिक्वायरमेंट ऑफ फ्लाई व्हील, ठीक है ना। इसमें हमें ऐसा मिलता है, ठीक है, अगर हम ये मेन रीजन होता है, इंक्रीजिंग पावर आउटपुट हो जाता है और डिक्रीजिंग लेस रिक्वायरमेंट ऑफ फ्लाई व्हील होता है, ठीक है। अगर इसको हम फिर अगर ये फिर एक कंसेप्ट आता है फायरिंग ऑर्डर, फिर यही मल्टी सिलेंडर का ही कंसेप्ट है, वो तो हमको अभी इस चैप्टर में नहीं देखना है, ठीक है। वो जब वाइब्रेशन पढ़ेंगे, बैलेंसिंग पढ़ेंगे, तब हम फायरिंग ऑर्डर के बारे में देखेंगे, ठीक है ना। अभी हम टर्निंग मोमेंट डायग्राम अभी मल्टी सिलेंडर इंजन का एक बना के दिखाते हैं क्या होता है, या फिर चलिए वो जरूरत हम मिरेकल के साथ वो वाला पार्ट हम करा देंगे कि कैसे मल्टी सिलेंडर इंजन का टर्निंग मोमेंट डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। अच्छा उसको हम एक मिनट में भी बना देते हैं, एक मिनट जस्ट 30 मिनट। चलिए हम अभी आपको टर्निंग मोमेंट डायग्राम ऑफ मल्टी सिलेंडर इंजन के बारे में बता रहे हैं कि मल्टी सिलेंडर इंजन का टर्निंग मोमेंट डायग्राम कैसा होता है। जैसे देखिए हम आपको अभी दो बताए थे, डबल एक्टिंग का और फोर स्ट्रोक इंजन का, तो उसमें देख रहे थे कि वेरिएशन लो से बहुत ज्यादा हाई था। जैसे देखिए ये जो था टर्निंग मोमेंट डायग्राम था वो, फिर देखिए कितना वेरिएशन था ना, ये तो फोर स्ट्रोक का था और डबल एक्टिंग का था, ऐसे था, फिर वेरिएशन बहुत ज्यादा था, ठीक है ना। तो अब इसी वेरिएशन ऑफ जो है पावर रिक्वायरमेंट का, तो उसको हमको मिनिमाइज करना है, और दूसरा है कि हमें फ्लाईव्हील जो है कि इसमें हमको हैवी मास फ्लाईव्हील का जरूरत पड़े, बिकॉज हमको इसमें वेरिएशन बहुत ज्यादा स्पीड का, तो सिंपली है जो ज्यादा स्पीड है तो हमको उसको कंट्रोल करने के लिए ज्यादा वेरिएशन स्पीड का चाहिए होगा, ठीक है ना। तो हम इसीलिए हम मल्टी सिलेंडर इंजन का यूज करते हैं, यानी एक सिलेंडर नहीं, उसमें बहुत सारा सिलेंडर रहता है और उसका फायरिंग ऑर्डर को अरेंज करके हम अलग अलग चीजें देखते हैं कि क्या होता है। तो इस रिक्वायरमेंट हमको पता है इसमें क्या होता है, इंक्रीज इन पावर आउटपुट, सिंपली जितना सिलेंडर बढ़ेगा उतना पावर आउटपुट हमको बढ़ेगा। बस एक थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि उसमें क्या होता है कि फ्रिक्शन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से थोड़ा पावर का लॉसेज हो जाता है बिकॉज नंबर ऑफ सिलेंडर बढ़ने से। हाँ, डिक्रीज इन या लेस रिक्वायरमेंट ऑफ फ्लाईव्हील, यानी हम फ्लाईव्हील पे हमारा डिपेंडेंसी क्या होता है कि कम जाता है। अच्छा एक और चीज इसका फायदा होता है कि पावर का जो होता है, पावर हमको मिलता है यूनिफॉर्मिटी इन पावर, यूनिफॉर्मिटी इन पावर आउटपुट, ठीक है, जो यूनिफॉर्म पावर आउटपुट मिलता है। जैसे यहां भी आपको देख रहे हैं ज्यादा वेरिएशन नहीं, थोड़ा सा वेरिएशन है। ये जो है ये किसका डायग्राम है, ये मल्टी सिलेंडर का टर्निंग मोमेंट डायग्राम है, ठीक है ना, यूनिफॉर्मिटी डायग्राम मिल जाता है, ठीक है। अच्छा देखिए सिंपली जैसे उस तरीके उसमें पहले पढ़े थे वर्क एरिया अंडर टॉर्क, यानी टर्निंग मोमेंट, टर्निंग मोमेंट और जो क्रैंक एंगल, एरिया अंडर टर्निंग मोमेंट और क्रैंक एंगल हमको क्या देता है, वर्क इन द साइकिल। अगर ऐसा ही हमें इसमें भी टी मीन निकालना है तो वर्क साइकिल में कितना है और कितना टर्निंग, ये जो मल्टी सिलेंडर इंजन है तो वो कितना एंगल रोटेट किया है, ठीक है ना, कितना एंगल रोटेट किया है, यानी कितना एंगल उसका जो क्रैंक है, क्रैंक का रोटेशन कितना एंगल हुआ है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो समझ लीजिए कि हमको मीन टॉर्क कुछ मिला, ये तो देखिए यहाँ पे इससे आपको पता चल जा रहा है कि समझ लीजिए कि ये मिनिमम है, यहाँ मैक्सिमम है। अब इसमें देखना ये मिनिमम ये मैक्सिमम के आसपास है, ठीक है ना। तो अब मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में ही कहीं ना कहीं मीन रहेगा, मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में कहीं ना कहीं मीन रहेगा। सपोज कीजिए कि हमारा मीन टॉर्क ये आया, ठीक है ना, ये हमारा मीन टॉर्क लाइन है, ये जो लाइन है हमारा टी मीन लाइन, ठीक। अगर सपोज कीजिए, अगर इसमें सपोज कीजिए कि जैसे इसको अगर हमको जब हमको निकालना है कि अब यहाँ पे एनर्जी कितना है, यहाँ पे एनर्जी कितना है, कौन पॉजिटिव, सिंपली हम आपको बता चुके हैं कि जो मीन टॉर्क के लाइन से नीचे वाला होता है वो निगेटिव और मीन टॉर्क लाइन से ऊपर वाला होता है वो पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पे ये निगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ठीक है। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमको एनर्जी हमको मिल रहा है, यहाँ हमारा क्या हो रहा है, एनर्जी का कंजम्पशन हो रहा है, ठीक है ना, इससे हमको ये पता चल जा रहा है, ठीक है। अगर हमको एक चीज देखना होगा, अगर हमको सपोज कीजिए कि हमको एक चीज देखना है कि पावर हमको कहाँ पे कितना मिल रहा है, ठीक है ना, करंट किस करंट पोजीशन पे, जैसे तो एंगल थीटा है, यहाँ पे कुछ ना कुछ रोटेशन हुआ होगा, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कुछ ना कुछ करंट रोटेशन हुआ होगा, यहाँ पे कुछ ना कुछ करंट रोटेशन हुआ होगा, यहाँ भी करंट कुछ रोटेट किया होगा, तभी तो इस पोजीशन पे पहुंचा है, तभी तो पावर मिला है। तो
इस पोजीशन पे, इस क्रैंक पोजीशन पे हमारे पास कितना एनर्जी है, अगर हमको ये देखना है तो समझ लीजिए ये टी मीन लाइन है, तो हम कहीं किसी ना किसी को क्या करेंगे रिफ्लेंस, किसी ना किसी पॉइंट को हम रिफ्लेंस मान लेंगे, ठीक है ना। सपोज कीजिए कि ये लाइन हमारा ए था, यहाँ पे ए पॉइंट था, ये तीन उनका ये बी पॉइंट है, ए ए है, ए बी है, ये सी, ये डी, ई, एफ, जी, एच, इतना पोजीशन है। हमको सारे पोजीशन पे देखना है कि हमें किस पोजीशन पे कितना हमारे पास एनर्जी है, तो उसके लिए हम अभी आपको बता रहे हैं, ठीक है। उसमें हम देखें एक क्रैंक पोजीशन लिखते हैं, क्रैंक पोजीशन वर्सेस एनर्जी फ्लक्चुएशन, एनर्जी पोजीशन एनर्जी। आप लोगों को दिख रहा है सबको कि अच्छा चलिए लग रहा है, ग्रीन में से नहीं दिख रहा, हम ब्लैक में से कोशिश करेंगे, ठीक है ना। फ्लक्चुएशन या ये फ्लाईव्हील, उस फ्लाईव्हील के पास कितना एनर्जी है, फ्लाईव्हील के पास कितना एनर्जी है, और ये क्रैंक किस क्रैंक, ये क्रैंक पोजीशन पे, ठीक है। तो अब देखिए अगर सपोज कीजिए कि हम ये लेते हैं क्रैंक को ए है मान लीजिए, सपोज कीजिए क्रैंक पोजीशन सी है, अगर हम सी की बात करें तो हमको सबसे पहले अभी तो हम ये पूरे हमको ये डाटा दिया नहीं है, तो हम सबसे पहले मान लेंगे कि कहाँ पे सपोज कीजिए ये सी वाले पॉइंट है, ये सी पॉइंट पे सपोज कीजिए मान लीजिए कि हमारे पास ई एनर्जी है, सपोज कीजिए सी के पास, सी पॉइंट सी के पास हमारे पास एनर्जी जो है ई है, ठीक है ना। और इसमें सारे चीज का एरिया दिया रहेगा, अगर जैसे ये है कोई, अगर ये इतना जो है ये वाला ये नेगेटिव है, इसका कोई ना कोई एरिया होगा, इसका भी कुछ ना कुछ एरिया होगा, सारे पॉइंट का एरिया होगा ना। तो सपोज कीजिए कि यहाँ इसका एरिया ए वन है, इसका ए टू है, इसका ए थ्री है, इसका ए फोर है, इसका ए फाइव है, इसका ए सिक्स है, ठीक है, ये सारे एरिया है। अगर सी पॉइंट पे इतना हमारे पास एनर्जी ई है, सी पॉइंट पे हमारे पास एनर्जी ई है, देखिए यहाँ पे कि हम मान लिए कि यहाँ पे एनर्जी का जो लेवल है ये इस लाइन पे यहाँ पे ई है, तो ये जो पॉजिटिव वाला पार्ट है ना, ये तो पॉजिटिव वाला पार्ट है डी पे, हम आपको बोले ऑलरेडी बोले हैं कि जैसे अगर पॉजिटिव पार्ट रहे तो वहां पे हमको एनर्जी क्या होता है मिलता है, तो हम डी पार्ट में पहुंचेंगे तो हमारे पास कितना एनर्जी रहेगा, सी के पास तो हमारे पास ई एनर्जी था, डी पे पहुंचने वाला हमारे पास एनर्जी कितना हो जाएगा ई प्लस ए वन, जितना एरिया है वो एड हो जाएगा। वैसा ही अगर हम ई के पास पहुंचेंगे तो हमारे पास कितना एनर्जी होगा, हमारे पास E प्लस ए वन डी पे है, लेकिन ये निगेटिव है, ये ए टू एरिया का है निगेटिव है, तो हमको क्या करना पड़ेगा घटाना पड़ेगा E प्लस ए वन माइनस ए टू, ठीक। वैसा ही अगर हम ए थ्री यहाँ पे हम F के पर पहुंचे, क्रैंक पोजीशन अगर F पे पहुंचे, क्रैंक पोजीशन F पे अगर हम पहुंचे हैं यहाँ पे, तो हमारे पास कितना एनर्जी होगा, तो F पे हमारे पास फिर क्या हो गया एडिशन हुआ है, E पे निगेटिव हुआ था, फिर F पे क्या हुआ है एडिशन हुआ है, E प्लस ए वन माइनस ए टू प्लस ए थ्री, जितना ये था उतना में ए थ्री ऐड हो गया। एफ अगर हम जी की बात करें, यहाँ जी की बात करें तो क्या होगा, सिंपली ये निगेटिव एरिया है, ये मतलब देखिए ये निगेटिव एरिया है, यहाँ पे क्या होगा हमारे पास निगेटिव एरिया है तो एनर्जी घटा है, तो ये जितना इतने इसमें एनर्जी है ई प्लस ए वन माइनस ए टू प्लस ए थ्री में ये घट जाएगा, ठीक है ना, बिकॉज निगेटिव है। अगर एच पे बात करें, जी के बाद क्या है एच है, ए की बात करें तो फिर क्या हुआ एडिशन हुआ है, ई प्लस ए वन माइनस ए टू प्लस ए थ्री माइनस ए फोर प्लस ए फाइव, क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास एनर्जी बढ़ गया। फिर इसकी बात करेंगे अगर हम पॉइंट बी की, बी पे कितना एनर्जी है, अगर हम बी पे देखेंगे कितना एनर्जी है तो बी पे क्या हुआ हमारा यहाँ पे फिर निगेटिव है, तो हम इसमें क्या करेंगे लेकिन जितना एनर्जी है माइनस इतना माइनस कर देंगे, ठीक है ना। तो हम इसमें देखे कि मल्टी सिलेंडर इंजन में क्रैंक पोजीशन पे किस तरीके से एनर्जी बढ़ता है घटता है, किस तरह कहां पे होता है, जैसे सिंपली अगर आपको एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाए, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाए कि यहाँ पे अगर एक मल्टी सिलेंडर इंजन है या कोई भी इंजन है, तो वहां पे अगर आपको ये पूछे कि किस पोजिशन पे स्पीड मैक्सिमम होगा और किस पोजिशन पे स्पीड मिनिमम होगा, वो कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे, सिंपली आपको देखना है कि किस पोजिशन पे हमारा मैक्सिमम एनर्जी है, जिस पोजीशन में हमारे पास मैक्सिमम एनर्जी है उसी पोजीशन में क्या होगा कि हमारे पास मैक्सिमम स्पीड होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे तो एक वैल्यू बस दिया हुआ है, इससे हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं, जब अगर हमें पूरा एग्जैक्ट न्यूमेरिकल वैल्यू रहता तो हम आइडेंटिफाई कर लेते, ये न्यूमेरिकल से हमको पता चलेगा, ठीक है ना।
सिंपली ये करना है कि जिस पोजीशन पे मैक्सिमम, सपोज कीजिए कि यहाँ पे हमारे पास मैक्सिमम एनर्जी है, तो यहाँ पे स्पीड क्या होगा, मैक्सिमम होगा, ठीक है। ये हम टर्निंग मोमेंट डायग्राम को मल्टी सिलेंडर का बता दिए, और इसमें क्रैंक किस करंट पोजीशन में कितना एनर्जी होता है, फ्लाई व्हील के अंदर, फ्लाई व्हील के अंदर कितना एनर्जी होता है, और करमेंट ऑफ मल्टी सिलेंडर इंजन क्या है बता दिए। अब हम यहाँ पे हर चीज लिख नहीं पा रहे हैं, जिससे आपको जहां भी जरूरत हो वीडियो को पॉज करके देख लिया कीजिएगा। जैसे यहाँ पे मेन मकसद होता है मल्टी सिलेंडर इंजन का, पहला टू इंक्रीज द पावर आउटपुट, दूसरा कि जो यूनिफॉर्मिटी इन पावर आउटपुट, जैसे जो सिलेंडर नंबर ऑफ सिलेंडर हम बढ़ा देंगे तो यूनिफॉर्मिटी पावर आउटपुट का बढ़ जाएगा, यानी पावर आउटपुट यूनिफॉर्मिटी बढ़ा, यानी हमको फ्लाइविल पे लेस डिपेंडेंट होना पड़ेगा, हमको मेरा डिपेंडेंसी और फ्लाइविल पे क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ये तीन बेसिक जो रिक्वायरमेंट होता है, बेनिफिट होता है यूज ऑफ मल्टी सिलेंडर इंजन का, ठीक है। अब हम ये जैसे फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी, फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड, ये सब आपको बोल रहे हैं, टीमिंग के बारे में आपको बता दिए टीमिंग क्या होता है, लेकिन अभी दो तीन टर्म है वो हम नहीं बताए हैं, अभी हम ये इसको इरेज करके उसको हम बता देते हैं, ठीक है ना। जो टर्निंग मोमेंट डायग्राम तीन अलग अलग इंजन का बता दिए हम आपको, उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी, फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड एंड कोएफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी, मैक्सिमम एनर्जी, इसको हम आपको अभी नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू।